नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। जिला स्कूल में हूं। जिला स्कूल का ये मैदान है और यहां पे आप देख सकते हैं कि बच्चे, युवा, हर उम्र वर्ग के लोग यहां पर जो है खेलने के लिए आते हैं। जिला स्कूल मैदान में एक ये आप देख सकते हैं, ये है जिला बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर। ये जिला बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर जो है यहाँ पर 2016 में यहाँ पर DM के आदेशानुसार इसमें जो है बॉक्सिंग सेंटर बनाया गया था। हालांकि ये जो मकान है, ये पुराना मकान है, ये पहले से ही मकान ये बुरी स्थिति में थी, जर्जर स्थिति में थी। उसके बाद भागलपुर DM के आदेशानुसार 2016 में इसमें जो है इसको जिला बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो स्थिति है अभी, वो स्थिति से हम आपको रूबरू करवाते हैं। जिला ये बॉक्सिंग सेंटर आप देख सकते हैं कि आज किस स्थिति में है। पूरा छत जो है जर्जर है और कोई भी वस्तु यहाँ पर जो है, वस्तु स्थिति अगर पर गौर करें तो कोई भी चीज़ें सही नहीं नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ ट्रेनर हैं, ये बॉक्सिंग सेंटर के यहाँ के ट्रेनर हैं, तुलसी कुमार जी हैं। सर, अगर आप आ जाइए नीचे तो हम आपसे कुछ बात कर लेते। तुलसी जी, आज जो है जिला बॉक्सिंग सेंटर यहाँ पे तो बनाया गया था 2016 में, 2016 के बाद अभी जो वर्तमान में स्थिति है कैसी स्थिति? हालांकि देखने से तो जर्जर नज़र आ रहा है, लेकिन आप बेहतर बता सकते हैं। ये बहुत ख़राब स्थिति है। यहाँ पर से हर एक साल यहाँ से 5 से 7 बच्चे नेशनल खेलने जाती है यहाँ से जी। और यहाँ से 2017 में मेडल निकली स्कूल गेम में, वो ब्रॉन्ज मेडल निकली है नेशनल लेवल पे, जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पे बहुत सारा स्नेह दिया गया है कि आपका ये जो टूटा हुआ इससे पानी टपकती है। आज इसमें ये पलाय है, इसके अंदर पलाय है और इसके अंदर यहाँ पे जब पानी पड़ती है तो पूरा पानी जम जाती है और उससे आप देख रहे हैं कि नीचे अंदर की ओर गिरने लगी है। तो इसके द्वारा जो है रिंग का जो और 1 साल 1.5 साल रहा तो रिंग ख़त्म हो जाएगी। रिंग ख़त्म? हाँ, ये इंटरनेशनल रिंग है और ये बहुत मुश्किल से हम लोग को भागलपुर को फर्स्ट मिली है। फर्स्ट भागलपुर को ही रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि भागलपुर में 5 मेडल लड़की की आई है नेशनल में, वो भी तो इस वजह से ये, हाँ, ये बॉक्सिंग रिंग मिला। बॉक्सिंग रिंग मिला। तो ये अभी वर्तमान में आपके पास बच्चे आते हैं? जी आते हैं। लड़कियाँ कितनी? लड़कियाँ अभी यहाँ पे 8 से 9 हैं। और लड़के? लड़के यहाँ पे 12-15 हैं। हाँ, सब रेगुलर है। तो वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं, अगर देख सकते हैं तो पूरा पानी जो है ये रिंग पे पानी भरा पड़ा हुआ है। और जैसा कि इन्होंने, तुलसी जी ने बताया यहाँ के जो ट्रेनर हैं, कि ये जो है नेशनल रिंग है ना, ये नेशनल रिंग है और ये जो है अब देख रेख के अभाव में ये अब ख़राब होने की स्थिति में है। रिंग पर छत से पानी टपकता है और जब पानी वो रिंग पर गिरता है, हालांकि यहाँ पर जो है तुलसी जी, ये जो प्लास्टिक से ढकने का प्रयास किया गया है, इन किन के द्वारा प्रयास ये किया गया है? ये पिछले साल मैं मुद्दे उठाए थे तो DM सर 2 पन्नी दिलवाए थे कि तत्काल इसको ढकने की उपाय की जाए, उसके बाद देखेंगे। वो पिछले साल हुआ था। फिर सर यहाँ पे मैच हुई थी, प्रशासन मैच करवाए थे यहाँ पे, तो उसके बाद मुद्दा उठा इसको ठीक करवाया जाए। तो उस समय ये दीवार था पूरा, तो इसको हम लोग किसी तरह DM सर से आदेश लेके इसको ठीक किए। फिर उसके बाद अब यहाँ पे चेंजिंग रूम लड़की का नहीं है, बाथरूम नहीं है, मैच गेम होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है लोग को, लड़कियों के लिए तो दिक्कत, बहुत दिक्कत है सर। चेंजिंग रूम नहीं है, बाथरूम नहीं है, ये सामान कचरा धरा हुआ है, इस पर हम लोग प्रैक्टिस करने का यूज में बहुत हम लोग को दिक्कत देती है, जो कि जिसके कारण हम लोग बाहर में लड़कियों लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं, रिंग पे नहीं करवा पाते। तो जब रिंग पे प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर गोल्ड कैसे आएगा? रिंग पे प्रैक्टिस के बिना गोल्ड नहीं होगी। और इंडोर बहुत जरूरी है, बॉक्सिंग में इंडोर बहुत जरूरी है, सब कुछ हम लोग इंडोर में करते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर फिलहाल गोल्ड जो है, हाल फिलहाल में कोई गोल्ड आया? हाँ, 2019 में या 15 में आई है, तो वो शिवानी भारतीय गोल्ड मेडल हमारी लड़की। हाँ, लड़की। चलिए, बात तो ये हो गई कि यहाँ का जो है अभाव से देख सकते हैं आपकी जो है रिंग पे पानी टपकता है, उसके बाद ये प्लास्टिक से ढकने का भरपूर प्रयास किया गया है और देख रेख के अभाव में ये जो रिंग है
और ख़ासकर ये नेशनल रिंग है और ये भागलपुर को ही सिर्फ मिला है। और ये जो है अब देख सकते हैं आप किस तरह से ये रिंग की स्थिति है। ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से जो सामने आ रही है कि यहाँ से यानी भागलपुर से बॉक्सिंग में लड़कियों ने जो है गोल्ड लाया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से खासकर भागलपुर से लड़कियाँ जो है बॉक्सिंग में जो है गोल्ड मेडल जो है भागलपुर को दिलाया है। और वैसे स्थिति में ये देख रेख के अभाव में ये जो नेशनल बॉक्सिंग रिंग है ये देख रेख के अभाव में जो है ये ख़राब होने की स्थिति में पहुँच गया है। यहाँ के जो ट्रेनर हैं जो है तुलसी कुमार जी वो इनकी जो है ये जो है रिंग का जो है वो देखभाल करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर लड़कियों के लिए जो है बाथरूम नहीं है और ड्रेस चेंज करने के लिए कमरे नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ा एक अभाव है। और ख़ासकर ये प्रतिभा जो है भागलपुर की प्रतिभा के साथ ये खिलवाड़ है एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि लड़कियाँ जो है गोल्ड ला के दी हैं भागलपुर को, और ऐसे में प्रतिभावान बच्चों के साथ जो है मजाक है, खिलवाड़ है। मैं चाहूँगा कि जिला प्रशासन इस पर जल्द ध्यान दे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस चीज़ को ध्यान दे और जल्द से व्यवस्था किया जाए समुचित की, ताकि ये नेशनल रिंग को बचाया जाए। कुछ और हैं तुलसी जी, एक दो बात सवाल करेंगे कि जो बच्चे जो हैं इच्छुक हैं आने के लिए बॉक्सिंग में, वो कैसे आ सकते हैं? वो डायरेक्ट आ सकते हैं, मतलब वो उनके इच्छुक हैं तो वो यहाँ आके अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं। लड़का लड़की? हाँ, कोई भी। फी होगा? फी यहाँ पे मामूली फी है जो कि बच्चे लोग का सामान हो उससे आती है। 300 फी रखे हुए हैं जिसमें बॉक्सिंग ग्लव्स आना है, कुछ भी घटा तो उसके पैसा से ही आता है। तो ये रिंग जो है अगर देखा जाए तो खैर ख़राब होने की स्थिति में तो खैर पहुंच गई है, अगर इससे अभी अगर इस पर नहीं लिया जाए संज्ञान तो ये फिर सड़ ही जाएगा। तो फिर हम चाहेंगे कि आप इसके लिए आप जिला प्रशासन से क्या मदद मांग सकते हैं? इसके जिला प्रशासन से हम सेट का बहुत जल्दी पहले ठीक कराना, पहले सेट बहुत जल्दी से ठीक कराना जरूरी है ताकि रिंग बच सके। चलिए, शुक्रिया आपका तुलसी कुमार जी, और मैं भी चाहूँगा कि जिला प्रशासन जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर दो बातें सामने आई है कि 2016 में ये बॉक्सिंग रिंग जो है यहाँ पर लगाया गया था, और ये रिंग जो है नेशनल बॉक्सिंग रिंग है जो आप टीवी पर नेशनल में देखते हैं फाइटिंग करते हुए बॉक्सिंग करते हुए खिलाड़ियों को। दूसरी बात कि लड़कियां यहां पर गोल्ड लाके दी हैं, लड़कियां गोल्ड लाके दी हैं, और उन लड़कियों के कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाने की यहां पर व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये शहर के प्रतिभावान बच्चों के साथ खिलवाड़ है। चलिए फिलहाल देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि कब इस चीज़ को बॉक्सिंग रिंग को कब तक जो है इस पर संज्ञान लिया जाता है और कब इसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जाती है। बहरहाल मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।